आज का दिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज इन दोनों पार्टियों ने 24 सालों के बाद एक गठबंधन का ऐलान किया, जिसके तहत 38-38 सीटों पे बसपा और सपा चुनाव लड़ेंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती और अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह रही कि मायावती ने ऐलान किया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी और उनके चेले अमित शाह का नींद हराम करने वाला यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए मायावती ने क्या कहा कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफ़ी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमर वाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के कर्म में ही यहाँ लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था। और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनज़र रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। नौकरशाही.com का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए पोस्ट मिलते रहें।